चलती ट्रेन के लुटेरे गैंग चढ़े जीआरपी के हत्थे, कैश और मोबाइल के साथ दो लुटेरे गिरफ्तार। मुंबई बोरीवली की जीआरपी ने दो आरोपियों को माहिम से गिरफ्तार किया है, जो देर रात मुंबई लोकल में सफर के दरमियान यात्रियों को लूटने का काम करते थे। पकड़े गए दोनों आरोपी धारावी के रहने वाले हैं। आरोपी के ऊपर इसके पहले भी माहिम धारावी में लूटपाट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। ये दोनों आरोपी देर रात सफर कर रहे यात्री को चलती ट्रेन से मारपीट कर लूट कर फरार हो जाते थे। दरअसल बोरीवली पुलिस स्टेशन में रविवार 22 मई को मीरा रोड के रहने वाले यात्री शंभुलाल शर्मा ने बोरीवली रेलवे को शिकायत की कि जब वह मलाड से भाईंदर लोकल से रात 1 बजे डब्बे में अकेले सफर कर रहा था, तभी 3 शख्स उसी डब्बे में घुसे और चलती ट्रेन में शंभुलाल के साथ मारपीट कर उसके पास से 1200 रुपये और मोबाइल छीनकर भाग गए। बोरीवली स्टेशन पर उतरकर शंभुलाल ने इसकी रेलवे पुलिस में शिकायत की। पुलिस के जांच अधिकारी एपीआई पाटिल और उनकी टीम ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी की मदद से मुख्य आरोपी माइकल कनक, सनी सिपरे, दोनों धारावी के रहने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा आरोपी आकाश घोड़के अभी भी फरार बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेमी नेशनल, मुंबई। 22 रनिंग ट्रेन मध्ये एका प्रवासास 3 आरोपींनी मिळून हाताने आणि लाथाबुक्याने बेदम मारहाण करून त्याच्याकडून एक मोबाईल आणि त्याच्याकडे असलेली 1200 रुपये रोख रक्कम चोरी करून ते आरोपी बोरीवली स्टेशन इथे उतरून पळून गेलेले होते। ते एका दिवसानंतर आमच्याकडे ते कंप्लेनंटनी रिपोर्ट केल्यानंतर लगेच आम्ही गुन्हा दाखल केला आणि त्यानंतर आमचे डिटेक्शन अधिकारी एपीआय पाटील आणि पूर्ण टीमने 24 तासाच्या आतमध्ये सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आणि त्यांचा नेटवर्क वापरून माहीमपूर्व या ठिकाणातून त्या दोन्ही आरोपींना आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। त्या आरोपींना आम्ही नमूद गुन्ह्यात अटक करण्यात आली असून त्याच्या जे चोरीस गेलेली जी काही मालमत्ता आहे, एक मोबाईल आणि रोख रक्कम आम्ही हस्तगत केलेली आहे। एक आरोपी जो आहे मायकल कनक राहणार धारावी, याच्यावरती 2 गुन्हे दाखल आहेत शाहूनगर पोलीस ठाणे मुंबई शहर हद्दीमध्ये, याच्यावरती 2 गुन्हे रजिस्टर आहेत। एकही आपण त्यांना सांगू शकतो की खरं तर रात्री उशिरा प्रवास करत असताना अशा काही घटना जर आपल्याला समजत असेल, घटना घडण्याची शक्यता वाटत असेल, तर आपण तात्काळ मुंबई रेल्वे कंट्रोल 15-12 वरती संपर्क साधून पोलिसांना त्याची माहिती देणं आवश्यक आहे।